सरकारी देसी शराब की दुकान पर झाड़ू डंडा लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाएं। महिलाओं के उग्र तेवर देखकर देसी शराब के दुकान के संचालक सेल्समैन दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। महिलाओं ने 2 घंटे तक वहां हंगामा किया और प्रदर्शन किया। महिलाएं चाहती थी कि यह दुकान बंद हो। महिलाओं का आरोप है कि गांव के बीच खुली इस दुकान पर गांव के लोग शराब पीते हैं और जाके अपनी पत्नियों को पीटते हैं। गांव के नज़दीक देसी शराब की दुकान होने से गांव का माहौल खराब होता है। यहां शराबी आने जाने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ अश्लील छिटाकसी भी करते हैं, जिससे गांव का पूरा माहौल खराब हो रहा है। यह वाकया है गाजीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के सोनियापार गांव का। सोनियापार गांव में देसी शराब का ठेका है, जिसको हटाने की मांग को लेकर उग्र महिलाएं सैकड़ों की तादाद में इस ठेके पर पहुंची। हाथ में झाड़ू और डंडा ली हुई थी, जिससे सेल्समैन भाग खड़ा हुआ। हंगामा की सूचना पर भुजहुआ चौकी इंचार्ज महेंद्र तिवारी और मऊदा पुलिस चौकी इंचार्ज वासुदेव प्रसाद मौके पर पहुंचे। 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद, काफी प्रयास के बाद महिलाएं शांत हुई। उपस्थित पुलिस बल ने आश्वासन दिया कि देसी शराब की दुकान यहां से हटा दी जाएगी। दूसरी तरफ एक दिलचस्प वाकया यह भी आया कि जिस दुकान में देसी शराब की दुकान संचालित हो रही है, वह मकान एक आदमी को पीएम आवास के रूप में मिला है। उस आवास में रहने के बजाय वो देसी शराब के दुकान के ठेकेदार को अपना आवास मकान दे दिया है किराए पर, जिस पर देसी शराब की दुकान संचालित होती है। प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों को आवास रहने के लिए दिया जा रहा है, जो छत विहीन है। और यहाँ सोनियापार गांव में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आवास में देसी शराब की दुकान संचालित हो रही है। यह वाकया भी काफी चर्चा में है। अब देखना यह है कि महिलाओं के उग्र तेवर के बाद यहाँ दुकान का संचालन पुनः होता है या दुकान दूसरे जगह संचालित होती है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि दुकान का संचालन यहाँ नहीं बंद किया गया तो पुनः उग्र प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का यह भी आरोप था कि सुबह 5 बजे भोर से लेकर रात को 12 बजे तक देसी शराब की दुकान चलती है, जो दुकान खुलने और बंद होने के नियमों के विपरीत है। बंटी ना लगाओ देखा भैया, इनके रोज मारने देखा सरकार, इनको जो है अपने पति से बहुत परेशान है, रोज लोग दारू।